हेलो एवरीवन, आई होप आपको मेरा फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। सो माय दिस वीडियो इज स्पेशली रिलेटेड टू चैप्टर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था व्हाट इज माइक्रो, व्हाट इज मैक्रो, उनके कुछ थोड़े से डिफरेंस और कुछ वेरिएबल्स। बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इस चैप्टर में आप स्पेशली वो कंसेप्ट समझेंगे जो आपको बाकी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में हेल्प करेंगे। अब क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, आपका टाइम मुझे बेस्ट यूटिलाइज कराना है, इसके लिए आई हैव गिवन यू द टाइम ऑफ पर्टिकुलर वीडियो कि आपका कोई भी कंसेप्ट किस टाइम पे वीडियो में स्टार्ट हो रहा है, किस टाइम पे एंड हो रहा है। तो अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं भी रिवाइज करना है, इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू पिक ओनली वन टॉपिक, यू कैन जस्ट क्रॉस चेक इट्स टाइम और आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि वट एवर द गुड्स वी कंज्यूम या जो भी हम अपने रूटीन में यूज कर रहे हैं, उनकी क्लासिफिकेशन आप किस बेसिस पे कर सकते हैं और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक कैटेगरी ऑफ गुड्स आर टू टाइप्स, फाइनल इंटरमीडिएट। अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो वो गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं और जो फाइनली आपके इस्तेमाल के लिए रेडी हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो अभी भी वो प्रोडक्शन लाइन में ही हैं, दैट आर अंडर प्रोग्रेस, और उनपे अभी पूरी वैल्यू एड नहीं हुई। सो वैल्यू टू बी एडेड, और जो फाइनल गुड्स हैं वो आपके यूज के लिए रेडी हैं। अब इसका अगर हम कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखें तो दिस बाइक, इफ यू हैव परचेस्ड अ पर्टिकुलर बाइक तो वो आपके लिए फाइनल गुड होगा, बिकॉज अब आपको उसमें कुछ भी वैल्यू एड नहीं करनी, यू कैन डायरेक्टली यूज दैट। हाउएवर इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर टायर्स, दैट विल बी इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज उसमें अभी वैल्यू एड होगी और उसको एक बाइक में कन्वर्ट करके हम उसको फाइनल यूज के लिए रेडी कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसको हम एग्जाम्स में काफी बार नोट कर सकते हैं कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पूछ लेते हैं। क्वेश्चन इज कि सेम गुड कैन बी बोथ इंटरमीडिएट और फाइनल। अभी वी हैव स्टडीड अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल भी देखा। तो क्या आपको लगता है कि सेम ही गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है या फाइनल भी हो सकता है? एंड इट इज येस ट्रू। आपका कोई भी गुड पे यूज पे डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरह से, किस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं, और वो फाइनल जो एंड यूज है उसका, वही क्लासीफाई करेगा कि वेदर दैट इज इंटरमीडिएट और फाइनल। आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ वॉशिंग मशीन। What matter is the end use of good? And washing machine can be used at home or at laundry. अगर आप उसको घर पे अपने personal purpose के लिए use कर रहे हैं, that will be final good. लेकिन अगर laundry में ये specifically to earn money further उसको use किया जा रहा है, तो it will be intermediate. क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करने में इस गुड्स को यूज कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए या फाइनल कंज्यूमर इसको यूज नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली द सप्लायर ऑफ सर्विस इज यूजिंग दैट। अब देखो, फाइनल गुड्स का हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, इंटरमीडिएट और वो देख लिया, फाइनल गुड्स की भी अपने आप में दो कैटेगरीज होंगी, फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड, जिसको हम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं फॉर द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब कोई भी अगर फाइनल गुड जो डायरेक्टली कंज्यूमर ले रहा है, दैट विल बी फाइनल कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर इसको परचेज कर रहा है, मतलब काइंड ऑफ वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दैट विल बी फाइनल प्रोड्यूसर गुड। नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब देखो, कंज्यूमर गुड्स क्या होंगे, डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, और इसको हम कंजम्पशन गुड्स भी बोलते हैं। लेकिन अगर वही चीज कोई प्रोड्यूसर यूज कर रहा है,
फॉर इट्स रिपीटेड यूज इन द बिजनेस, तो उसकी उसका जो नेम होगा द टर्म यूज विल बी कैपिटल गुड्स. ये चीज हम अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, कैपिटल एसेट्स, तो वही चीज होंगी कैपिटल गुड्स, कि कोई भी प्रोड्यूसर अगर अपने बिजनेस में कोई भी एक हाई वैल्यू ऑफ एसेट या गुड यूज कर रहा है फॉर इट्स फर्दर प्रोडक्शन, तो हम उसको कैपिटल गुड बोलेंगे. एग्जाम्पल के लिए, द नॉर्मल फूड वी कंज्यूम विल बी कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए यूज हो रहा है. लेकिन दीज काइंड ऑफ रोबोट्स दैट आर यूज बाय सम वेयर हाउस, ठीक है, अगर ऐसा कुछ वो यूज कर रहे हैं तो उन्होंने पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टमेंट करी है वो भी अपने बिजनेस को आगे चलाने में, तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स की सब कैटेगरीज के बारे में देखते हैं. दे हैव फोर कैटेगरीज. सबसे पहले दिया हुआ है ड्यूरेबल गुड्स. देखो इनके कुछ कुछ फीचर्स हैं जो आपको क्लासिफाई कर सकते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कौन से कैटेगरी का कंज्यूमर गुड है. इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट टू, दैट इज ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स नाम से पता लग रहा है जो काफी ड्यूरेशन के लिए यूज हो सकते हैं. सो इट इज यूज फॉर सेवरल ईयर्स. और एक खास बात इसकी कि ये हाई वैल्यूड होते हैं. एग्जाम्पल इज गिवन एज कार. इफ वी परचेज अ कार दैट इज यूज फॉर आर पर्पज फॉर सेवरल ईयर्स एंड ऑब्वियसली इट इज ऑफ हाई वैल्यू. अगर सेकेंड देखें, ओके, नेक्स्ट वन इज गिवन एज नॉन ड्यूरेबल. सेमी ड्यूरेबल इसके बाद देखेंगे. नॉन ड्यूरेबल गुड्स देखें तो दैट मीन्स सिंगल यूज. दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल का एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रेड. दिस इज समथिंग जो आप कंज्यूम कर रहे हो एंड इट्स ओवर. दैट मीन्स सिंगल यूज गुड्स. अगर आपको उसको दोबारा कंज्यूम करना है, यू नीड टू परचेज अनदर. आप उसको रीयूज नहीं कर सकते हो. एंड दिस इज ऑफ लो वैल्यू. इसकी नेक्स्ट टू कैटेगरीज आर सेमी ड्यूरेबल एंड नॉन मटीरियल. सेमी ड्यूरेबल गुड्स लाइज इन बिटवीन ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल. ड्यूरेबल में हमने पढ़ा कि जो काफी टाइम तक यूज कर सकते हो, तो सेमी ड्यूरेबल वो जो वन ईयर और मोर, मतलब बहुत लंबा यूज नहीं कर सकते लेकिन सिंगल यूज भी नहीं है. इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ एनी काइंड ऑफ लाइट फर्नीचर यू यूज. नॉट वेरी हाई वैल्यू. हाई वैल्यू इज द फीचर ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है. और सेमी ड्यूरेबल में ज्यादा हाई वैल्यू, ज्यादा महंगे गुड्स नहीं होते. नेक्स्ट वी हैव सर्विसेस. और आपको एक ध्यान रखना है कि इसका अनदर नेम इज नॉन मटीरियल गुड्स, मतलब वो गुड्स जो मटेरियल फॉर्म में नहीं है, मतलब अल्टीमेटली सर्विसेज. इफ यू कंसल्ट अ डॉक्टर दे प्रोवाइड यू सर्विसेज, और वो हमारे लिए नॉन मटेरियल गुड्स भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव इज, अभी देखो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं ये देख लिया, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं ये भी हो गया, कैपिटल गुड्स भी पढ़ लिए. अभी देर इज अ क्वेश्चन, जैसे अभी हमने करा था फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स का, ऐसे ही ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. और ये बात भी ठीक है. रीजन भी, जो हम प्रोड्यूसर गुड्स की बात करते हैं ना, तो मतलब किसी भी तरह के गुड्स जो एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है. अब प्रोड्यूसर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने में या प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल भी यूज करते हैं और कैपिटल गुड्स भी यूज करते हैं. कैपिटल गुड्स जस्ट लाइक एनी काइंड ऑफ मशीनरी. रॉ मटेरियल कुछ भी ऐसा जिसपे आपको प्रोसेस करके उसको फाइनल गुड्स बनाना है. तो वो बोल रहे हैं कि क्या सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं? ऑफ कोर्स दे कैन बी, दे आर एक्चुअली. क्योंकि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, जो हैवी इन्वेस्टमेंट कोई भी प्रोड्यूसर करता है, उसी को तो कैपिटल गुड्स बोलते हैं. लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते, बिकॉज कैपिटल गुड्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स. रॉ मटेरियल ऐसे गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड बट नॉट अ कैपिटल गुड.
आई होप आपको ये समझ आया होगा, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन प्लीज़ बुक से बहुत ध्यान से पढ़ना, बिकॉज अगर क्वेश्चन आता है वन और टू सेंटेंस के बाद हमें समझ नहीं आएगा कि हम उसमें क्या लिखें. सो इट्स बेटर टू रीड द होल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड. और आप इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए यू कैन ऑल्सो टेक एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल फॉर द सेम. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और अगर आपको ध्यान हो तो अभी हमने लास्ट में जो कंज्यूमर खर्चा करते हैं उसको हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिखा हुआ था. इसके लिए आई हैव शोन यू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर जो हमारी इकोनॉमी में होते हैं, और जब भी वो कोई खर्चा करते हैं तो उस एक्सपेंडिचर को कैसे डिफाइन किया जाता है. कंज्यूमर कौन कौन हो सकता है? सबसे पहले कोई भी हाउस होल्ड, हम सब लोग जो हमारे घर में कंज्यूम किया जाता है किसी भी तरह के गुड्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. सेकेंड इज गवर्नमेंट. ऑफकोर्स गवर्नमेंट भी गुड्स यूज करते हैं. अब आपको पता होगा कुछ राशन शॉप्स होती हैं, या गवर्नमेंट को अगर कहीं पे चैरिटी करनी है, आर्मी में कुछ मटेरियल प्रोवाइड करने हैं, कुछ गुड्स भिजवाने हैं उनको, तो दैट फॉर दैट गवर्नमेंट भी परचेज करती है प्रोड्यूसर से. एंड दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ कंज्यूमर. नेक्स्ट इज नॉन फॉर प्रॉफिट. कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, इसमें भी अगर हम एग्जाम्पल लें तो कोई भी चैरिटी, एनजीओ, ये सब ले सकते हैं एग्जाम्पल. तो ये सारे कंज्यूमर्स हैं. लेकिन अगर इनके हम खर्चे को डिफाइन करेंगे, दैट विल बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, एंड सिमिलरली बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स. तो आपको ये ध्यान रखना है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, हु आर द कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी. तो आप कंज्यूमर बता सकते हो, और आप ये भी बता सकते हो कि ये जब भी खर्चा करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, दैट इज डिफाइंड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट दिया हुआ है कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का मतलब देखो, जो हमने लास्ट किया दैट वॉज रिलेटेड टू कंज्यूमर, एंड जो हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज रिलेटेड टू प्रोड्यूसर. अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कि इट इज द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल. अकाउंट्स में पढ़ा होगा कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. तो जब भी आपके कैपिटल के स्टॉक में कोई भी इंक्रीज आएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि यू हैव इन्वेस्टेड समथिंग. अब कैपिटल फॉर्मेशन दो तरह से कर सकते हैं. वन इज रिलेटेड टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अनदर वन इज रिलेटेड टू इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. कभी भी हम अपने कोई भी फिक्स एसेट को नया परचेज करेंगे, अगर हम फिक्स एसेट का बैलेंस इंक्रीज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, दैट विल बी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. लेकिन अगर हम कोई नॉर्मल स्टॉक परचेज कर रहे हैं, स्टॉक इंक्लूड्स ऑल द गुड्स इन विच वी डील, तो आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी गुड्स हैं, अगर आप वो परचेज कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इट इज द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, और ये रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स. इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी. देखो, अगर आप कोई हैवी मशीनरी नई परचेज कर रहे हो, या आपने कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करी, तो वो चीज इसमें आएगी जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है. लेकिन अगर आपने नॉर्मल अपनी इन्वेंट्री इंक्रीज करी है, तो वो आपको अनइंटरप्टेड स्टॉक की सप्लाई करेंगे. दैट मीन्स आपका काम रुकना नहीं चाहिए ड्यू टू एनी शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल. अब डिजायर्ड और अनडिजायर्ड क्या होता है? हमेशा हम ना एक स्टॉक लेवल एस्टिमेट रखते हैं, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू आर डिमांड एंड सप्लाई, कि हमें कितना ज्यादा सप्लाई हो सकता है एक टाइम पे, कितने हमारे कंज्यूम गुड्स की डिमांड है. सिमिलरली वी कीप अ डिजायर्ड लेवल ऑफ स्टॉक या फिर इन्वेंट्री. अनडिजायर्ड वो तब हो जाता है जब हमने परचेज ज्यादा करा हुआ है और वो सेल नहीं हो पा रहा. जस्ट लाइक द सिचुएशन ऑफ दिस COVID-19, बहुत लोगों के पास काफी सारा स्टॉक ऑलरेडी था, एंड दैट वॉज अनेबल टू बी सोल्ड, दैट इज अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन. इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा क्या होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जब भी आप करोगे कोई भी कैपिटल एसेट पे, दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट, उस पर नॉर्मल है कि डेप्रिसिएशन लगेगी.
अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर टियर, पासेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, बहुत सारे रीजंस ऐसे हो सकते हैं. डेप्रिसिएशन का सेकेंड नेम हम बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट. ये ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन इज अ कॉमन टर्म यूज फॉर आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, लेकिन रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन पूछ लें तो यू माइट गेट कन्फ्यूज. तो प्लीज टेक केयर ऑफ द अनदर नेम फॉर डेप्रिसिएशन. और ये डेप्रिसिएशन ये डिफरेंस होता है ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब नॉर्मल जो भी टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, इफ यू हैव परचेज्ड अ प्लांट एंड मशीनरी फॉर 1 करोड़ तो दैट विल बी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. लेकिन अगर आप उसके पासेज ऑफ टाइम या किसी भी रीजन की वजह से उसकी रिडक्शन इन वैल्यू शो कर रहे हो, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन. और जब भी हम ग्रॉस में से अपना डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट. सो ग्रॉस और नेट, ये ध्यान रखना कि इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ डेप्रिसिएशन का होता है. रीजन बीइंग, ये जो अभी हम नेशनल इनकम चैप्टर करेंगे उसमें भी काफी यूज होने वाला है. इसी में नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस नेट इन दोनों का डिफरेंस डेप्रिसिएशन. अब नेट इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी में, क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की रेज इन द कैपिटल स्टॉक. हमने पढ़ा था कि अब कभी भी अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दैट विल बी कैपिटल स्टॉक. तो अगर हम नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मतलब उसमें वैल्यू इंक्रीज होने वाली है. नेक्स्ट इज मोर कैपिटल अवेलेबल पर यूनिट ऑफ लेबर, क्योंकि हम हमेशा कैपिटल और लेबर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अपने किसी भी काम में. तो अगर हमने कैपिटल ज़्यादा लगाई होगी तो ऑब्वियसली जो हम लेबर से काम कराने वाले हैं वो पर यूनिट लेबर की अवेलेबिलिटी, कैपिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी फॉर लेबर. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बहुत बेसिक सी बात है कि जितनी ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा अवेलेबल होगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़. क्योंकि अगर प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा है मतलब उनके पास अच्छा खासा सेटअप है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए. सो इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट. अब दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस पढ़ेंगे. नंबर वन इज़ रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और डिमांड, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो दैट इज एक्सपेक्टेड. लेकिन अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, सॉरी दिस इज नेचुरल, अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी है मतलब लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, अगर उसकी वजह से आपके फिक्स्ड एसेट की कोई भी वैल्यू रिड्यूस हुई है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड हमेशा पार्ट होगा डेप्रिसिएशन का, हाउएवर अनएक्सपेक्टेड वुंड बी अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. मैनेज्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. लेकिन कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए हमें इंश्योरेंस लेनी पड़ती है. अगर हमें पता है कि विद पासेज ऑफ टाइम या टेक्नोलॉजी जैसे जैसे न्यू आएगी अगर हमारी पुराना कोई भी एसेट पड़ा है तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होने वाली है, तो उसके लिए तो हम रिजर्व फंड बना सकते हैं डेप्रिसिएशन के नाम से. लेकिन फॉर एनीथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड, किसी भी तरह के कोई नेचुरल डिजास्टर के लिए या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो, तो आप उसके लिए इंश्योरेंस लेके रखते हो. एक और डिफरेंस दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर कैपिटल लॉस. अगर कंजम्पशन की बात करें तो इट इज लॉस ड्यू टू कॉन्टिन्यूस यूज. कंजम्पशन कहा ना, कंजम्पशन करना मतलब कंज्यूम करना, यूज करना इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. कि अगर आप कोई भी अपना गुड्स फिक्स्ड एसेट जो है अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से जो भी होगा दैट विल बी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. लेकिन लॉस ड्यू टू एसेट नॉट इन यूज तो वो कैपिटल लॉस होगा. आप उसको यूज नहीं कर रहे थे, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे अपने प्रोडक्शन में और उसका नुकसान हुआ तो दैट विल बी कैपिटल लॉस. इसके अंदर आएगा नॉर्मल वियर टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस,
लेकिन कैपिटल लॉस में आएगा नेचुरल कैलामिटीज या फिर फॉल इन द मार्केट. दिस इज अगेन मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, लेकिन कैपिटल लॉसेस के लिए आपको फिर से इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी. आई होप आपको ये दोनों डिफरेंसेस अच्छे से समझ आए होंगे. ये डिफरेंसेस करने के बाद वी हैव अ न्यू कॉन्सेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. अगर इसको एक छोटा सा हिंट लेना हो, एनीथिंग विच इज केप्ट रिजिड दैट विल बी स्टॉक. लेकिन फ्लो नाम से ही पता लग रहा है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग जस्ट लाइक वाटर फ्लो. तो दिस विल बी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और इसमें हम फ्लो देखेंगे कि किस तरह से किन किन आइटम्स का फ्लो कर सकते हैं. सो स्टॉक इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. दैट मीन्स अगर आप आज देख रहे हैं आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट विल बी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट विल बी अ स्टॉक कंसेप्ट. लेकिन अगर हम फ्लो की बात करें तो इट इज द क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आपने लास्ट ईयर कितनी इनकम अर्न करी है. तो दैट विल बी फॉर पीरियड ऑफ टाइम. किसी एक पॉइंट पे आप अर्न नहीं कर सकते, आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अर्न किया है. इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है सेविंग बैंक. अगर आपने बैंक में अपना कोई सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है तो उसका जो भी बैलेंस होगा दैट विल बी अ स्टॉक कंसेप्ट. लेकिन अगर आप कोई भी रेगुलरली फ्लो कर रहे हो मनी का, दैट मीन्स अ काइंड ऑफ डिपॉजिट्स करा रहे हो या फिर विड्रॉवल कर रहे हो, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फ्लो ऑफ मनी. अगर हम इसके और एग्जाम्पल्स देखें ना, तो इफ यू आर एन अकाउंटेंसी स्टूडेंट तो आपको ये समझ आएगा जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसकी जो भी आइटम्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती हैं. तो इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें, कैपिटल, दैट ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ स्टॉक. लेकिन अगर हम फ्लो का एग्जाम्पल देखें पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड, मतलब पूरे एक टाइम पीरियड के लिए. तो उसकी जितनी भी आइटम्स होंगी दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फ्लो. तो आप किसी भी तरह की इनकम, कोई भी एक्सपेंस इसका पार्ट ले सकते हो. सो दिस इज स्टॉक एंड फ्लो. और इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेशली वन मार्क क्वेश्चन. तो इसके लिए आपकी बुक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के दिए हुए हैं. ये कंसेप्ट समझकर साथ के साथ वो करने का कोशिश करना. नेक्स्ट वी हैव फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की स्टार्टिंग हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान से समझना. हमारी पूरी इकोनॉमी को बेसिकली फोर सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिसके बारे में ये डिटेल दी हुई हमने. नंबर वन इज हाउस होल्ड सेक्टर. Then we have producer, government sector and the external sector, जिसको again हम rest of the world बोलेंगे, जो हमने last chapter में भी relate किया था BOP से. First of all, if we talk about household sector, तो it includes all of us, जिनके पास सारे के सारे factors of production available हैं. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको ये टिप्स पर होने चाहिए कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज फोर आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हम लोग होते हैं ऑनर्स. और उस चीज को यूज कौन करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर. तो मतलब अगर हम ऑनर हैं तो हमें ये चीजें, इनको देने के लिए हमें कुछ मिलना चाहिए. वी प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन रिटर्न वी रिसीव फैक्टर इनकम. अब क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर के लिए वो फैक्टर इनकम है तो प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए वो फैक्टर पेमेंट होगा. ठीक है, ये दो सेक्टर्स
इम्पॉर्टेंट है, जिन्हीं की वजह से हमारी पूरी इकोनॉमी में एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। थर्ड सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर ना दोनों तरह से रोल प्ले करती है। बेसिक रोल जो इनका है दैट इज वेलफेयर एजेंसी, कि आपको सोसाइटी का ध्यान रखना है, सोशल वर्क करना है, लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। एंड सेकेंड इट इज़ अ प्रोड्यूसर एज वेल। अब प्रोड्यूसर की तरह से देखें तो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर कोई भी प्रोडक्शन एंटरप्राइज आता है, किसी भी तरह की इंडस्ट्री अगर कवर होती है, दैट विल बी प्रोड्यूसर। तो गवर्नमेंट के दो रोल्स हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। वो आपको स्पेशली पूछ सकते हैं अगर हम आपको ध्यान हो, हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में भी पढ़ा है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वी हैव रिटन कि गवर्नमेंट एक कंज्यूमर भी हो सकता है और उसका बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट। सिमिलरली यहाँ पर फॉर द फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अगर हम कंज्यूमर देखें तो वो वेलफेयर एजेंसी की तरह होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों की भलाई के लिए काफ़ी प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट भी परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज, और प्रोड्यूसर भी होंगे बिकॉज वी हैव पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एक्सटर्नल सेक्टर। एन एक्सटर्नल सेक्टर मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, इसका दूसरा नाम है। बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर अगर देखा जाए तो वो इनसे इम्पोर्ट कराते हैं। हम लोग कुछ भी अगर बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं या गुड्स इम्पोर्ट करा रहे हैं तो दिस इज जस्ट द रिलेशन ऑफ टू सेक्टर्स इंक्लूडिंग हाउस होल्ड एंड एक्सटर्नल सेक्टर, और बीइंग अ प्रोड्यूसर वो उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो भी कुछ यहाँ के फेमस हो। तो दीज आर द फोर सेक्टर्स विच रन द होल इकॉनमी। अब ये फोर सेक्टर्स समझने के बाद यू मस्ट अंडरस्टैंड इंटरसेक्टोरल फ्लोस, जिसका मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया है, लेकिन अभी हम इसको प्रॉपरली देखते हैं कि किस तरह से इंटरसेक्टोरल फ्लो होता है इन टर्म्स ऑफ रियल फ्लो या मनी फ्लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल फ्लो, व्हाट इज मनी फ्लो। रियल फ्लो मतलब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो जो आपको पता लग रहा है बट अदर देन मनी है। लेकिन मनी फ्लो मतलब या तो आप पेमेंट्स कर रहे हैं या फिर आपको इनकम मिल रही है। अब इसका देखो चारों सेक्टर्स को रिलेट करके देखते हैं। हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस इज रियल फ्लो। इन रिटर्न प्रोड्यूसर हाउसहोल्ड को देते हैं, मतलब ये इनको करते हैं फैक्टर पेमेंट्स। एक के पार्ट पे हम बोलेंगे फैक्टर पेमेंट और दूसरे के लिए वो होगा फैक्टर इनकम एंड दिस विल बी मनी फ्लो। ये जो प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना लेते हैं, या तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देंगे या गवर्नमेंट को देंगे या फिर हाउस होल्ड को भी दे सकते हैं, तो मतलब किसी भी तरह से अगर गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रही हैं दैट विल बी रियल फ्लो। लेकिन इन रिटर्न जो कोई भी पेमेंट कर रहा है इनको, चाहे हाउस होल्ड पेमेंट करेंगे, दैट विल बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वी विल रिसीव मनी। दिस इज अगेन मनी फ्लो, और गुड्स एंड सर्विसेज वाले का होगा रियल फ्लो। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टैक्सेस। That will be also money flow. Government बाहर से import करा सकती हैं, अगर government as a producer देखा जाए तो export भी कर सकती हैं। तो again कभी भी अगर आप payment कर रहे हो या पैसा receive कर रहे हो, that will be part of money flow. और real flow होगा जब भी goods और services आपस में exchange कर रहे होगे।
एंड दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट. आपको चारों सेक्टर्स का पता होना चाहिए, कहाँ से क्या फ्लो होता है, रियल फ्लो की टर्म्स में क्या होगा, मनी फ्लो की टर्म्स में क्या होगा. इसी चीज को थोड़ा सा और आगे रिलेट किया जाए रियल एंड मनी फ्लो को, तो वी हैव सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अभी थोड़ा सा तो समझ आ गया होगा कि कभी भी अगर हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर को दे रहे हैं तो उनको फैक्टर पेमेंट मिलती है एज अ फैक्टर इनकम. लेकिन अगर प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज किसी को भी दे रहे हैं तो उनको रिटर्न में जो पेमेंट करनी होती है दैट विल बी देयर इनकम, और बाकी सबके लिए हो जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब इसी चीज को इन्होंने थ्री फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नंबर वन, वी हैव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन. कि आप रॉ मटेरियल ले रहे हो या फैक्टर ऑफ सर्विसेज सॉरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, उनके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो, एंड यू आर रिटर्निंग दैट और यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट इन द इकोनॉमी. सेकेंड इज जनरेशन ऑफ इनकम. वैल्यू एडिशन के बाद उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आप वो इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे. तो जो मैंने अभी आपको बताया कि वो हाउस होल्ड सेक्टर को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, गवर्नमेंट सेक्टर को, किसी को भी गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, दैट विल हेल्प देम टू जनरेट इनकम. एंड थर्ड फेज इज रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर. अब उनकी इनकम कब होगी, जब किसी का एक्सपेंडिचर होगा. वैसे भी आप इकोनॉमी में एनालाइज करके देखना, अपने रूटीन में एनालाइज करके देखना, अगर किसी की इनकम हो रही है तो ऑब्वियसली किसी और का तो खर्चा हो रहा होगा. सो दिस इज रिलेटेड कि अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो तो किसी और का एक्सपेंडिचर होगा. दैट एक्सपेंडिचर कैन बी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. इसके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं कि अगर कोई कंज्यूमर कर रहा है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर कोई प्रोड्यूसर कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एंड दीज टू टॉपिक्स आर रिलेटेड. अब वो इसमें से कोई भी या तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द थ्री फेजेस फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, या सेक्टोरल फ्लोज के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए रेडी रहना. अब जो हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा, ये सारा सभी सेक्टर्स का कैसे कैसे आपस में रिलेशन है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी कि आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाओगे. अभी विल बी स्टडिंग दैट इन फर्दर टू चैप्टर्स कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है. तो आप उसमें भी देखना कि हम यही सारे सेक्टर्स की बार बार बात करेंगे कि किस तरह से कहाँ से खर्चा हो रहा है और कहाँ से इनकम आ रही. नेक्स्ट ऑब्वियसली इंटर सेक्टोरल इंटर डिपेंडेंस हमें पता लग गई कि हम प्रोड्यूसर पे किस तरह से डिपेंडेंट हैं, या हाउस होल्ड सेक्टर से कैसे डिपेंडेंट हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या गवर्नमेंट के साथ आपस में क्या रिलेशंस हैं. तो ये था सर्कुलर फ्लो मॉडल जो हमने पढ़ा, उसकी सिग्निफिकेंस. ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ. अगेन आई आस्क यू कि ये चैप्टर रिवाइज करना, अपनी बुक्स नोट्स को साथ में रखना, और आपको कोई भी डाउट आता है मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई लव टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच. दो चैप्टर्स हम रिवाइज कर चुके हैं. आई ट्राई एज सून एज पॉसिबल मैं आपको फर्दर चैप्टर्स रिवाइज कराऊंगी, और ये दो चैप्टर्स साथ के साथ रिवाइज करना बिकॉज द फर्दर टू चैप्टर्स अ बिट डिफिकल्ट. नेशनल इनकम यूजुअली हम उसको थोड़ा सा पढ़ने में भी पोस्टपोन कर देते हैं कि बाकी सारे चैप्टर पहले करते हैं, नेशनल इनकम नहीं आता. सो वील ट्राई आर बेस्ट कि नेशनल इनकम भी आपको आसान लगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट, मीट यू इन आर नेक्स्ट वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू मोटिवेट अस टू क्रिएट मोर वीडियोज. थैंक यू.